एक व्यक्ति तीन विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12%, 15% की दर पर धन निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है तो उसके निवेश का अनुपात क्या होगा? तो मान लिया तीन जगह उसने निवेश किया है, कहाँ कहाँ पे? पहला है P1, दूसरा है P2, तीसरा है P3। तीन जगह पे निवेश किया है। कितना धन? P1 6 साल के लिए कितना? 10% बटे 100 इक्वल टू हो जाएगा P2 इंटू 10 इंटू कितना? 12 बटे 100 हो जाएगा इक्वल टू P3। समान राशि प्राप्त होती है, मतलब समान ब्याज मिलता है। P3 के लिए है 12 साल के लिए 15% बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। तीनों जगह से आप 100 काट सकते हैं ये। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, कलर चेंज कर लेते हैं तो आपके आपको क्लियर दिखे। और 5 दूना 10, 5 तिया 15, यहाँ पे 3 हुआ। 3 से काट सकते हैं, 3 चौको 12, 3 दूना 6। ठीक है, ये 2 2 का गुणा, 2 दूना 4 हो गया, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। अब हमारे पास बचता है P1 इक्वल टू 2P2 इक्वल टू 3P3। जब इसका हम रेशियो निकालेंगे P1:P2:P3, तब ये चेंज हो जाएगा, ये पलट जाए, इसको हम 1P1 लिख सकते हैं, 1/1 हो जाएगा, :1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1 2 3 का रेशियो लासा ले लेते हैं, 6 हो जाएगा, सभी जगह 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा फिर से, और यहाँ पे 3 2 6 2 आ जाएगा। तो ये रेशियो आ गया 6:3:2 का। तो 6:3:2 का रेशियो है पहला, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके।